नमस्कार, न्यूज 111 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। अक्षय कुमार, साइनी आहूजा और विद्या बालन स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म भूल भुलैया के सीक्वल का फर्स्ट लुक सामने आ गया है, जिसमें बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर कार्तिक आर्यन नजर आ रहे हैं। 2007 में आई अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म भूल भुलैया के सीक्वल भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन नजर आएंगे। अक्षय कुमार की ये कॉमेडी हॉरर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। हालांकि इस बार कार्तिक आर्यन फिल्म में अक्षय कुमार को टक्कर देते नजर आएंगे। हाल ही में कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ये फिल्म का पोस्टर रिलीज किया है। इस पोस्टर में कार्तिक हूबहू अक्षय कुमार की तरह नजर आ रहे हैं। भूल भुलैया 2 के इस पोस्टर में कार्तिक आर्यन ऑरेंज कलर के कुर्ते पजामे में नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने रुद्राक्ष की माला भी पहनी है और काले रंग का चश्मा भी लगाया हुआ है। इस फिल्म के पोस्टर को शेयर करते हुए कार्तिक ने लिखा, भूत को भगाने वाला जल्द ही आने वाला है। और साथ ही भूल भुलैया का वो सबसे फेमस गाना हरे राम हरे कृष्णा हरे राम का भी जिक्र किया है। वहीं कार्तिक के इस पोस्ट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं। बात अगर कार्तिक आर्यन की एक्टिंग की करें तो इन्होंने अपना अभिनय सफर की शुरुआत 2011 में की थी। प्यार का पंचनामा कार्तिक की पहली फिल्म थी, जिसमें कार्तिक आर्यन ने रजत नामक लड़के का किरदार निभाया था। इस फिल्म में कार्तिक ने लगभग 5 मिनट बिना रुके अपना डायलॉग बोला था, जो हिंदी फिल्म में सबसे लंबा डायलॉग माना जाता है। वहीं अगर कार्तिक आर्यन की ब्लॉकबस्टर मूवी की बात करें तो सोनू की टीटू की स्वीटी ने खूब सुर्खियां बटोरी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी खूब किया था। भूल भुलैया 2 की बात करें तो अक्षय की जगह कार्तिक आर्यन को देखने के बाद हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि इस फिल्म में मंजुलिका का रोल कौन सी एक्ट्रेस निभाएंगी। तो आपको बता दें कि फेमस फिल्म भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन के अपोजिट मंजुलिका के फेमस किरदार को निभाने के लिए अब तक सारा अली खान, अनन्या पांडे और जानवी कपूर के नामों पर कयास लगा रहे जा रहे हैं। फिल्म लव आजकल 2 की शूटिंग के दौरान सारा अली खान और कार्तिक आर्यन के बीच काफी बढ़िया केमिस्ट्री देखने को मिल चुकी है। कुछ दिन पहले दोनों के अफेयर की खबरें भी सामने आ रही थी। कई मौकों पर इन दोनों को एक साथ स्पॉट भी किया गया है। इनके इस खूबसूरत केमिस्ट्री को देखते हुए ये कह सकते हैं कि दोनों भूल भुलैया में साथ नजर आ सकते हैं। बता दें, डायरेक्टर अनीस बिजमी के निर्देशन में बन रही कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 को भूषण कुमार, मुराद खेतानी और कृष्ण कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये फिल्म अगले साल 31 जुलाई 2020 को रिलीज होगी। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ये फिल्म रिलीज होती है तो फैंस को कितना पसंद आती है। फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।